नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। और उपचुनाव में आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से गर्मा गर्मी बनी हुई है चुनाव की। तो आपका क्या नाम है सर? मनोज साहनी। मनोज जी, आप कहाँ से आए हैं? गोपालगंज से सर। इस वक्त आप बहुचा उपचुनाव में मौजूद हैं, तो किस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? वीआईपी पार्टी का। वीआईपी पार्टी का प्रचार क्यों कर रहे हैं? वीआईपी पार्टी का प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि वीआईपी पार्टी का जो अध्यक्ष है श्री सौरभ मलाह मुकेश साहनी, गरीब दबे कुचले मजदूर अति पिछड़ा समाज के आरक्षण की बात करते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, मंत्री जी का तो पार्टी भाजपा ने तोड़ दिया है और उनका विधायक भी तोड़ दिया है, ये बात आप जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। तो इसमें एक बात ये बताइए कि लोग किस तरह से वीआईपी पार्टियां मुकेश साहनी के ऊपर भरोसा करें? उनका तो विधायक बिक जाता है, टूट जाता है, पार्टी टूट जाता है, मंत्री पद चला जाता है, तो लोग उनके ऊपर भरोसा कैसे करें आगे फिर उनको जो है चुनाव जिताने के लिए, मंत्री बनाने के लिए या आने वाले समय मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनके ऊपर लोग भरोसा कैसे करें? ये आपने सही सवाल किया। आप ये बताइए कि विधायक पार्टी बनाता है या विधायक पार्टी बनाते हैं? पार्टी विधायक बनाती है। तो ये देश का संविधान में ये रूल है, सब लोग स्वतंत्र हैं। कोई भी विधायक किसी भी पार्टी से जीत करके जाता है, उसके 3/3 जो बहुमत होता है, अगर एक साथ तो दूसरे पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो जा सकता है, संविधान का रूल है। और पार्टी विधायकों को बनाती है, विधायक पार्टी नहीं बनाते हैं। और मंत्री जी कोई ऐसा पहला व्यक्ति नहीं है जिनका विधायक छोड़ करके चला जाए या विधायक को तोड़ लिया गया हो, आप जो कहिए, तो कोई पहला ऐसे व्यक्ति नहीं है। इतिहास उठा करके देखिएगा, ऐसे होते रहता है। लेकिन हमारा मानना है जहाँ तक कि पार्टी विधायक बनाती है, विधायक पार्टी नहीं बनाते हैं। बिल्कुल, तो इनका सही जवाब है कि पार्टी विधायक को पैदा करती है, विधायक कभी पार्टी नहीं बनाते हैं। और ये उनका स्वतंत्र अधिकार है भाई, उनको कल तक वीआईपी पार्टी अच्छी लग रही थी तो वीआईपी पार्टी में थे, आज उनको भाजपा अच्छी लग रही है तो भाजपा में चले गए हैं। और सन्नो मल्ला तो चुनौती दे चुके हैं कि आने वाले 2025 के जो विधानसभा चुनाव होंगे, भाजपा को बिहार में धूल चटाएंगे। क्या ये सही बात है? एकदम सही है, धूल चटा देंगे। हाँ हाँ, एकदम चटा देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो पार्टियों के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुकेश साहनी जो हैं वो जाति की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों की राजनीति नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, आप देखिए कि अगर जाति की राजनीति मुकेश जी किए होते तो पिछड़ा समाज के लिए 33% आरक्षण की मांग नहीं किए होते। और आज देखिए कि ये जो 33% आरक्षण के मांग किए हैं, उसका नतीजा है कि उनका विधायक तोड़ लिया गया, उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो देखिए, इनका जवाब आप लोगों ने सुना है, अगर अति पिछड़े समाज को रिजर्वेशन मिलता है तो अति पिछड़े समाज में भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, ये लोग बन सकते हैं, आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो रिजर्वेशन अगर लागू होता है, उसकी लड़ाई मुकेश साहनी जी लड़ रहे हैं और ये संवैधानिक लड़ाई है और संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग जमीन से वो सारी खबरें आप लोगों को दिखाते रहेंगे जो इस वक्त बहुचा उपचुनाव में